देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। गोवर्धन ब्लॉक के गांव लोरिया पट्टी में बसी हरिजन बस्ती पानी के कहर से घबरा रही है। घरों में पानी भरा है, लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं पानी ना आने जाने के रास्ते सभी बंद कर दिए गए हैं। बारिश का मौसम आया तो समझो गांव में हरिजन बस्ती में कहर आ गया है। ना तो लोगों के निकलने के लिए रास्ता है और ना ही कोई रहने के लिए जगह। ऐसे में उनके परिवार के लोग कहाँ जाएं? यह हाल है गोवर्धन के गांव लोरिया पट्टी में, जहां हरिजन बस्ती में पिछले कई माह से बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन है कि कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। गोवर्धन ब्लॉक के गांव लोरिया पट्टी में पिछले कई वर्षों से बारिश के पानी को लेकर समस्या बनी हुई है। बारिश के दिन आते ही मकानों में पानी भर जाता है और लोगों के आने जाने की परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इससे इसको लेकर के बस्ती में लोगों ने SDM गोवर्धन को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया है। तो वहीं बस्ती के लोगों ने बताया कि बस्ती में बारिश होने से पानी भर जाता है, इससे बच्चों स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इस समस्या को लेकर लोगों ने SDM को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं पानी भरने से बस्ती का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस ओर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का ध्यान तक नहीं गया। घरों के चारों ओर बारिश का पानी भरने से संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी बनी रहती है और घर से महिलाएं और बच्चे किसी भी कार्य के लिए नहीं जा पाते हैं। ऐसे में हम गरीबों का दर्द समझने वाला कोई है ही नहीं। इससे लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। हम सतीश है साहब। सतीश कहाँ के रहने वाले हो? लोरिया पट्टी के साहब। ये पानी की समस्या लेकर बात कर रहे थे, क्या समस्या आपकी? ये पानी साहब काफी दिन से हमारे यहाँ भरा हुआ है। प्रधान साहब ने हमें कई दफे बोला है, वो हमारी सुनता नहीं है साहब। दो साल से हम बहुत परेशान है। SDM के साहब पास गए थे, वहाँ पे हम ये कागज लगवा के दिया है। हमारी कोई सुनवाई है जाए बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो SDM को आपने अवगत करा दिया इस पानी को लेकर? हाँ, करा दिया साहब, गए थे वहाँ पर। क्या बोला SDM साहब ने? SDM साहब ने जो बोला था 3-4 दिन में बैठे हम समस्या कोई ना कोई तुम्हारी हल हो जाएगी, ये बोला था। गुड्डी कहाँ के रहने वाली हो? लोरिया पट्टी। पानी को लेकर ये बताइए, घरों में पानी भरा था, क्या समस्या, क्यों बताया? समस्या ये है बाबूजी, लेकिन हमारे 3 साल से इतनी परेशान है कि रास्ता नहीं है कतई निकलने के लिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना कोई रोजगार को जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, सारा सामान खराब हो गया हमारा। ना आज कपड़े लत्ते कुछ पहनने को ही नहीं है हमारे घर में। कब से स्थिति है ये पानी की यहाँ पे? करीब है गई 3-3.5 साल हो गई जब से पानी भरा रहता है। भरा ही रहता है। आपने इसको लेकर घर कोई ग्राम पंचायत प्रधान या कोई प्रधान कोई भी सुनाई नहीं करता है सर। हमारी बच्ची की शादी हुई थी, जब भी हमने हाथ जोड़ जोड़ के कह दी, प्रधान सुनाई नहीं करता है। और कुछ उच्च अधिकारियों से नहीं मिले आप? अब इतनी जानकारी नहीं है भाई बाबूजी। SDM साहब के पास गए थे, उन्होंने कह दी अब तुम्हारा समाधान हो जाएगा, कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा बोला उन्होंने। हाँ बोला था। अभी तो कई दिन हो गए साहब, कोई समाधान कोई बात ही नहीं है कोई आने की। यहाँ मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।